नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है हमारे इस चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी के खिलाफ जो अरेस्ट वारंट निकला है इसके बारे में। तो दोस्तों, अभी क्या होगा? क्या शमी को जेल जाना पड़ेगा या बीसीसीआई ने कोई रास्ता निकाला है? तो इसके बारे में आप लोग को पूरा बताएंगे। लेकिन इससे पहले ऐसे अपडेट न्यूज़ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद घंटे वाला बटन को भी प्रेस कर दें। इससे क्या होगा, जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे इसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक बहुत जल्दी पहुँच जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के वीडियो। दोस्तों, बंगाल के अलीपुर कोर्ट ने टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी और उनके भाई शाहिद अहमद के खिलाफ घरेलू हिंसा के मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। कोर्ट ने शमी को 15 दिन के अंदर आत्मसमर्पण करने को कहा है। यदि ऐसा नहीं किया तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। दोस्तों, आप लोगों को बता दें, शमी फिलहाल वेस्टइंडीज दौरे पर भारतीय क्रिकेट टीम के साथ है। इस समय वह दूसरे वो अंतिम टेस्ट मैच खेला जा रहा है। शमी के खिलाफ उनकी बीबी हसीन जहां ने घरेलू हिंसा का मुकदमा किया है। इस मामले पर सुनवाई के दौरान शमी को कोर्ट में पेश ना होने पर उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है। तो दोस्तों, इस विषय में बीसीसीआई ने क्या कहा वो भी हम लोग जान लेते हैं। हालांकि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया है कि गेंदबाज मोहम्मद शमी के खिलाफ तब तक कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी जब तक वो चार्जशीट नहीं देख लेते। IANS से बात करते हुए बीसीसीआई की एक अधिकारी ने कहा है कि अभी कोई कार्रवाई करना जल्दबाजी होगा मामले में और चार्जशीट प्राप्त होने के बाद ही फैसला लिया जा सकता है। तो मोहम्मद शमी के खिलाफ जो घरेलू हिंसा का आरोप लगा है वो है क्या, वो भी देख लेते हैं। पिछले साल की शुरुआत में हसीन जहां ने शमी के ऊपर घरेलू हिंसा का आरोप लगाया था, जिसके आधार पर शमी व उनके भाई के खिलाफ RPC के धारा 498 के तहत मामला दर्ज किया गया था। बता दें, इसी साल मार्च में शमी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी। शमी ने 6 जून 2014 को कलकत्ता की मॉडल हसीन जहां से शादी की थी। वही शमी ने 17 जुलाई 2015 को एक बेटे की पिता भी बने। तो दोस्तों, हसीन जहां ने शमी के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाया था। इसमें एक था कि शमी पर दूसरे महिला से अवैध संबंध रखने और उन्हें जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया था। हसीन जहां ने यह भी कहा था कि शमी के घर वाले उसे जहर से मार देने की भी कोशिश की थी। हसीन जहां ने शमी के सट्टेबाजी से संबंध होने का भी दावा किया था। और ऐसी हसीन जहां की गंभीर आरोपों के बाद बीसीसीआई ने शमी का सालाना करारा रद्द कर दिया था। हालांकि बीसीसीआई की जांच में शमी बेकसूर पाए गए थे। इस समय वो टीम इंडिया के साथ वेस्टइंडीज के दौरे पर है और उनका करार अभी भी बरकरार है। तो दोस्तों, इससे पहले हसीन जहां ने मोहम्मद शमी के खिलाफ प्रूफ के तौर पर जो स्क्रीनशॉट लीक किया था वो क्या था? दोस्तों, मोहम्मद शमी के पत्नी ने अपने फेसबुक पेज पर शमी पर बेवफाई का आरोप लगाते हुए व्हाट्सएप की कई स्क्रीनशॉट शेयर की थी। हसीन का दावा था कि ये स्क्रीनशॉट शमी की दूसरी लड़कियों से हुई चैट की थी। हसीन के मुताबिक शमी दूसरी लड़कियों से अंतरंग चैट करते थे और विरोध करने पर उनके साथ मारपीट भी करते थे। तो दोस्तों, ये तो था पूरा कहानी मोहम्मद शमी की अरेस्ट के बारे में। लेकिन दोस्तों, बीसीसीआई ने अभी तक इसके बारे में कुछ नहीं बोला है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। इसका अपडेट न्यूज़ आप लोगों को मैं देता रहूँगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग न्यूज़ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए सुस्त रहे, सलामत रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।